जोशींचा डबा रोज इतका मस्त बनतो की रोज त्यांच्या पत्नीला कौतुकाचा एक मेसेज मिळतो. आता असं कौतुक रोज तुमचंही होईल जेव्हा मॅगी मसाला मॅजिक सोबत रोजचा डबा कमाल करून जाईल. फ्रॉम नेस्ले. जी हाँ, ये मैच चालू होने वाला है सचिन सर. जी हाँ, अल्ताफ बाबू गेंदबाजी के लिए. जी हाँ, ये मैच चालू होता हुआ सचिन सर यहाँ बताते हुए, जो कि पंच की भूमिका निभाते हुए, और लेग अंपायर है मनोज सर. ये बढ़िया क्रिकेट इस बार अल्ताफ बाबू एटम और दो विकेट. बढ़िया गेंद थी गली की दिशा से निकाली, यहाँ पर आ रही है चकमा जी. यहाँ पर गेंद जब तक जा रही है एक रन के लिए, यहाँ पर धीरे धीरे दूसरे रन के लिए तेजी दिखाई और दो रन का इजाफा आता हुआ. हम देख थोड़े से नाखुश हो गए कि किस तरह का ये रन यहाँ पर जाता हुआ. दो रन से यहाँ पर खाता खोला 92 चैम. एक अच्छा टीम माना जाता है इसके कप्तान आमिल सर, जो कि बुल्ढाना शहर के अंदर इन्होंने नाम बनाया. फिर इस बार रिवर्सिप खेलना चाहते थे वहाँ पर. बढ़िया गेंद यहाँ अल्ताफ की द्वारा, जो कि अपना पूरा अनुभव पूरा अभ्यास करते हुए हैं अल्ताफ बाबू. बढ़िया क्रिकेट, बेहतरीन अंदाज में खेला शॉट. जिस तरह की बल्लेबाजी का फेस खोला, जैसा विराट कोहली खेलते भारतीय टीम में, उसी तरह की ये शॉट. चार रन का इजाफा आता हुआ यहाँ पर मोइन द्वारा. अपनी टीम के लिए एक अच्छी स्टार्ट चाहिए यहाँ पर, जो पहले ओवर का पावर प्ले चलता हुआ. ये गेंद अच्छी गेंद थी, रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहते थे, कामयाबी नहीं. फील्डिंग करने वाले अमजद सर से ये बात को ध्यान में रखे. 10:53 पे पहला बॉल गिरा. अभी भी स्कोर 6 रन. बहुत बढ़िया शॉट है, यहाँ पर स्टीयर किया है उसको कवर के क्षेत्र में. 10 रनों पे जा पहुंचे. प्लस यामध्ये आहे पॉवर ऑफ 3 सफोला गोल्ड, रोजचं हेल्दी स्टेप. इम्प्रोवाइज करना चाहते थे, लेकिन काफी चौकन्ना. ओवर की समाप्ति, 1 ओवर 10 रन को विदाउट ऑफ लॉस. दस रन 1 ओवर की समाप्ति. तौसीफ को यहां पर गेंदबाजी के लिए लाते हुए गोल्डन स्टार्स के कप्तान अमजद. फील्डिंग की सजावट देखी जा सकती है, और जो पावर प्ले का जो चिकंजा होता है, जो रेस्ट्रिक्शन होता है पावर प्ले में, फील्डिंग रेस्ट्रिक्शन, उसी के फलस्वरूप दो खिलाड़ी केवल बाउंड्रीज को रोकने के लिए यहां तैयार. लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ. पहली गेंद फुलटा.
ये गेंद काफी देर से जूझ रहे थे, दूसरी गेंद में सब यहाँ पर वापसी की तौसीफ ने, फुल टॉस गेंदे काफ़ी डेंजर साबित हो रही। पिछले मैच में हमने देखा फुल टॉस गेंदे लगातार करने वाली टीम हरी है। ये देखिए दूसरी गेंद भी बड़ी बढ़िया, बहुत अच्छे टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ, वहाँ पर गेंदबाज डायरेक्ट फुल टॉस गेंदे करते हुए नजर आ रहे हैं और ये बहुत आसानी से बल्लेबाजों के लिए तोहफा साबित हो रहा है। इस बीच ओवर पिच को हवा में खेला, खिलाड़ी कैच के नीचे आते हुए और यंगस्टर खिलाड़ी कभी कैच नहीं छोड़ते, ये आउट। और हम देखते हैं आईपीएल में काफ़ी ऐसी गेंदें होती है जो गेंदबाज अपनी चालाकी से विकेट निकालता है, अपने अपना शिकार बनाता है बल्लेबाज को। ठीक वहीं पर वहां पर फील्ड सजाई थी तौसीफ ने। अगले बल्लेबाज बिलाल पहुंचते हुए बीच मैदान पर। As women, our bodies have different needs. One such need is intimate hygiene. Vagina's skin is thinner and loses more moisture. This can lead to extreme dryness and unbearable itching. The best way to take care is V-Wash Daily. It is clinically proven to reduce intimate area dryness in 2 weeks. V-Wash Daily. तौसीफ की गेंद हवा में खेला गया, ये शॉट फिर से एक बार सॉफ्ट इस मिसाल हो सकता था लेकिन यहाँ पर लड्डू खाने से इनकार किया। कौन है प्लेयर? अल्ताफ बाबू। वहां पर इतनी धूप में कोई लड्डू खिलाए आपको, आप ना खाए, ये तो हंसी की बात है मेरे भाई। इसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा गोल्डन स्टार की टीम को। ये गेंद बाहरी किनारा, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, एक रन पूरा करते दोनों ही बल्लेबाज। छोड़ बदला अपना ओवर की समाप्ति भी। ये ओवर की समाप्ति के बाद दो ओवर की समाप्ति 16 रन एक विकेट के नुकसान पर। दो ओवर में 16 रन की अपनी एक गेंदबाजी करते हैं शायद मुख्तदीर, जो कि एक अच्छे गेंदबाज माने जाते हैं, युवा है, ये अपनी टीम के लिए एक अच्छी शैली है इनकी गेंदबाजी में। और देखना है मोहिन किस तरह खेल पाते हैं। स्लिप गली स्ट्रोक और कवर के दिश में फील्ड लगाते हुए बेहतरीन गेंद, समझ नहीं पाए मोहिन, काफी परख लिया था बल्लेबाज को, ऑफ स्टंप पर गए वहां पर मोहिन और वहां पर जो के बढ़िया क्रिकेट और सभी देखा जो का देख रहे हैं। मिड ऑन लॉन्ग ऑफ डिप मिड विकेट गली गली स्ट्रक कवर गली को डिप करते हुए अपनी गेंदबाजी में फील्डिंग का परिवर्तन और 30 गज के दायरे में लगाया गया है। जो वाला बेहतरीन अंदाज में खेल दिया, योर गेंद जा रही है थर्ड मैन और 4 रन कनेक्टिंग बीएसएल बाउंड्री कनेक्टिंग बुल्ढाना। बेहतरीन अंदाज यहाँ पर बल्लेबाजी द्वारा मोइन द्वारा।
मतीन भाई को डीप करते हुए, जो कि एक अच्छे क्रिकेटर है, और आपको थोड़ा सा मिडाउन को अंदर करते हुए और एक्स्ट्रा कवर की दिशा में थोड़ा सा मतीन को डीप करते हुए अमजद अपनी टीम के लिए गोल्डन स्टार क्रिकेट क्लब बुल्ढाना, दोनों ही बुल्ढाना टीम खेल रही है बेहतरीन अंदाज में। फिर राजू जब तक गेंद को उठाते हैं वहाँ चकमा दिया है वहाँ पर गेंद ने, और जब तक मतीन गेंद को उठाते हैं वहाँ पर, ये चार रन का इजाफा आता हुआ काफी दूर से भागकर आ रहे थे मोहिन अपनी टीम के लिए, यहाँ पर अपनी टीम का पल्ला लहराते हुए एक अच्छी सोच एक अच्छी प्लानिंग के साथ उठ रहे हैं ग्राउंड शॉट लगाने में। ये चौके की सहायता से बढ़िया स्ट्रोक यहाँ पर खोलते मोइन मुक्तदीर अपनी टीम के लिए गेंदबाजी करते हुए गोल्डन स्टार क्रिकेट क्लब। फिर शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, गली की दिशा में गेंद जा रही है, जब तक गली के प्लेयर गेंद को उठाते हैं वहां पर दो रन बड़ी तेजी से दौड़ लिए दोनों ही बल्लेबाजों ने, थोड़ा सा नाखुश हो गए अमजद की किस दिशा में गेंदबाजी चाहिए। मुक्तदीर गेंदबाजी कर रहे हैं, नौजवान खिलाड़ी माने जाते हैं, काफी क्षमता है इनके पास गेंद में वैरायटी रखने की, पर बल्लेबाज वहां पर काफी एक अपने युवा फॉर्म में खेल रहे हैं, जिस तरह के भारतीय टीम में विराट कोहली खेलते हैं वो स्टाइल है इस खिलाड़ी का, अपनी बल्लेबाजी में शैली रखते हैं। फिर एक बार मोइन तैयार, फिर यूएसएफ खेलना चाहते थे वापसी करते हुए वहाँ पर मुक्तदीर अपनी गेंदबाजी पे, और ओवर की समाप्ति। बढ़िया क्रिकेट अब लेखा जोखा चल रहा है, और मेरे साथ में फारूक सर जुड़े हुए हैं जो कि इस टूर्नामेंट अबू बकर ट्रॉफी का ये दूसरा चलता हुआ, सभी दर्शक यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ हमारे ठीक सामने बैठे हुए हैं, बढ़िया सिचुएशन फील्डिंग यहाँ गोल्डन स्टार टीम लगाता हुआ, और देखना है तौसीफ को लगाया गया है 11 प्रमोशन मिला। Yes, who is the new CEO? लोग जो 60 में बनते हैं। ये शॉट के लिए देख रहे हो या बन सकते कि नहीं यहाँ पर? 60 की बीमारियाँ भी। दोनों ही बल्लेबाज और ये विकेट यहाँ पर लचाई वहाँ पर। जब रोज का खाना बने हेल्दी और विद और एफआर की इस टूर्नामेंट की दूसरी कैच चलती हुई यहाँ पर। थोड़े से बिलाल नाखुश होकर सोच रहे थे कि मिडाउन मिड विकेट की जिसमें 6 रन लगा दो, पर यहाँ पर अपना विकेट जाता हुआ। सलीम ठेकेदार की टीम के अभी हो चुके हैं, अब देखना है जो मिडिल के ऑर्डर पे ओपनिंग के प्लेयर में गए थे मोइन, और अब जा रहे हैं सलामी बल्लेबाज जो मिडिल ऑर्डर पे माने जाते हैं, अपनी सारी कमान उनके हाथों में है, 17 नंबर का टी शर्ट का माना जाता है, जैसे जिस तरह का इंटरनेशनल में एवी डिविलियर्स माने जाते हैं, तो इसी तरह की इनकी शैली है बल्लेबाजी। स्वयं कप्तान आमिल भाई इस बार देखते हुए गेंद कर रहे हैं, तौसीफ राइट हम और दो विकेट, बेहतरीन शॉट के लिए जब तक गेंद जा रही है देखना होगा, जब तक वहां पर उठाते गेंद को एक रन का इजाफा आता हुआ, इसी के साथ में रन संख्या बढ़कर हो गई 29 रनों के कुल योग पर दो विकेट के नुकसान पर। बढ़िया गेंदबाजी वापसी करता हुआ यहां पर गोल्डन स्टार क्रिकेट क्लब, और 92 जो कि अपने एक युवा फैम में खेल रहे हैं मोहिन, अच्छी बल्लेबाजी करते हुए स्पॉट आउट विकेट के ऊपर।
नौका काफी बाहर और यहाँ पर हम पर जी का शहर आता हूँ मनोज भाई, काफी सीनियर है, काफी टूर्नामेंटों में पंच की भूमिका निभाते हैं। दो दो ही सलामी जो इस टूर्नामेंट के अंपायर सचिन सर और मनोज सर इस मैच को लायू करते हुए बेहतरीन गेंद तौसीफ द्वारा अपने टीम के लिए वापसी करते हुए। यहाँ विकेट कीपर अमजद स्वयं कप्तान है और एक अच्छा सिकंजा कस रहे हैं अपनी गेंदबाजी में। सोलो वन कटर गेंदबाजी करते हुए इस पार्ट ऑफ विकेट के ऊपर मिडाउन लॉन्ग अप को डीप किया है, गली एक्स्ट्रा कवर और डिप कवर और लॉन्ग ऑफ की दिशा में फील्डिंग सजाई तौसीफ ने अपनी गेंदबाजी पर। बढ़िया क्रिकेट अभी तक चलता हुआ लेखा जोखा चल रहा है। इस बार शॉट लगाई और देखना है किस्मत किसके साथ होती है। ये यहाँ पर मोइन नाखुश अपने बल शॉट से, बढ़िया कैच वहां राशिद द्वारा। एक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे पर वहां पर ललचाया तौसीफ ने अपनी गेंद में। सोलो वन कटर को डिप करते हुए और अब देखना है रिजवान सर जो कि एक सलामी बल्लेबाज और दिया था वहां पर। देखना गेंद जा रही है पर एक ही रन से सहमत होना पड़ेगा, दूसरे रन के लिए चांस बनाना चाहते थे आमिल पर वहां पर रोका उस रन को रिजवान सर ने, एक ही रन से सहमत होना पड़ेगा। और बढ़िया वापसी करते हुए यहां पर स्टार गोल्ड अपनी टीम के लिए गेंदबाजी कर रहा है और 92 चैम देखने है बल्लेबाजी कर रहा है स्वयं कप्तान विकेट के ऊपर आमिल। अब काफी इनके पास दारा मदार है अपनी बल्लेबाजी में, एक अच्छे क्लास स्ट्रोक खेलने में सक्षम रखते हैं। ओवर की समाप्ति, थोड़ा सा वाइट मंगना चाहते थे पर थोड़ा सा ऑफ स्टंप पर गए थे वहां पर आमिल सर, समझ नहीं पाता बल्लेबाज जब अपनी बल्लेबाजी की शैली में खेलने की जाता है। और हमारे सर जिस तरह का लाइव मैच भी यूट्यूब चल रहा है, दोनों ही अंपायर यहाँ पर मनोज सर सचिन सर जो कि बहुत ही अच्छे अंदाज में इस मैच को लाइव कर रहे हैं पंच की भूमिका निभाते हुए इस पाटा ग्राउंड के ऊपर। और बुल्ढाना शहर का यह बड़ा ग्राउंड माना जाता है प्रेक्षागार का, जिस तरह का यहाँ पर बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं और अब टूर्नामेंट चलता हुआ सीजन 2 2024 का ये टूर्नामेंट चल रहा है। और मैं बता दूँ आपको कि जो ड्रिंक्स ब्रेक है वो 45 मिनट में ऐड है, उसमें आपको ड्रिंक्स ब्रेक लेना पड़ेगा और जल्द से जल्द लेना पड़ेगा। दोनों टीमों को बता दूं मैं, वो 45 मिनट में ही ड्रिंक्स ब्रेक ऐड है, ठीक है। और यह स्वप्निल
तो गेंदबाजी के लिए लगा गया राजू जो कि लेग स्पिनर माने जाते हैं। और ये बढ़िया गेंद यहाँ पर जाती हुई विकेट कीपर गैदर किया अमजद ने। थोड़ा सा रिजवान सर रिवर्स स्वीप लगाना चाहते थे वहाँ अपनी सलामी में बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। एक अच्छी बल्लेबाजी करने में सक्षम रखते हैं रिजवान सर। फिर इस बार राजू राउंड दो विकेट आने का फैसला किया। बेहतरीन शॉट के लिए गेंद देखना है जब तक जा रही है वन पॉइंट नहीं जाएगी। 6 रन की मोहर लगती हुई बेहतरीन बल्लेबाजी मैं कह रहा था कि जिस तरह से बनाया उस शॉट को वहां पर रिजवान सर ने राजू गेंदबाजी करते हुए बेहतरीन स्क्वायर लेग की दिशा से खेला। जब तक गेंद को उठाते वहां पर एक रन से सहमत होना वो पड़ेगा और बढ़िया फील्डिंग तारीफ करना होगी इस खिलाड़ी की आवाज दो। और आवाज जो कि अपनी टीम के लिए एक अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं आवाज। बढ़िया क्रिकेट अभी तक चलता हुआ गली स्लिप गली कवर में लगाया है फील्डिंग यहाँ पर आमिर सर के लिए। फिर इस बार बेहतरीन रिवर्सिप बढ़िया शॉट यहाँ पर आमिर द्वारा अपनी टीम के लिए एक युवा फॉर्म में चलते हुए इस टारगेट से खेलता है यहाँ पर 92 एक अच्छे लक्ष्य बना सकता है। जिस तरह से थोड़े महंगे जरूर साबित हो रहे हैं वहाँ पर राजू और कप्तान वहाँ पर समझाते हुए अमजद के आने वाले गेंद किस तरह फेंकना है इस विकेट के ऊपर से ना खुश हो गए वहां पर राजू भाई जो कि गेंदबाजी से पटा विकेट पे कर रहे हैं। अभी तक स्कोर जो पहुंच चुका है 42 रनों के कुल योग पर। और ये देखिए हमारे पंच कमेटी की तरफ से थोड़ा सा सुविधा जो हल्का सा जो नाश्ता होता है यहां पर मिलता हुआ जो फारूक जी सर है हमारे नाश्ता कर रहे हैं। विशाल बर्थडे सागर फुकट जो के इस कंप्यूटर के पूरा योगदान उनके सामने कंप्यूटर का है पूरे बारीकी से यहाँ पर हमें पूरा डिटेल बताते हुए यहाँ पर हमारे सागर भाई और 4 रन के बीच में यह मुकाबला चल रहा है। और सभी दर्शक इस मैच को लाइव देख सकते हैं 2024 जो कि 8 का 9 जून इस बार राजू फिर इस बार उठाइए देखना हुआ यहाँ पर राशिद उसके नीचे कैच बन पाता कि नहीं यहाँ पर और देखना किस्मत यहाँ पर रिजवान सर के साथ राशिद जरूर गए वहाँ पर अगर इस कैच को पकड़ लेते एक मिनट हो जाता और ओवर की समाप्ति यहाँ पर जो चल रहा है। जो का यहाँ पर चल रहा है 92 का और गोल्डन स्टार अपने टीम के लिए यहाँ पर फील्डिंग सजाते हुए अमजद किस तरह से आने वाले जो अब ये छठे ओवर का स्पेल चलता हुआ बेहतरीन शॉट यहाँ पर रिजवान सर द्वारा 6 रनों की मोहर लगती हुई
क्या बल्लेबाजी है यहाँ पर इस बल्लेबाज की, समझ लिया था हल्का सा। बाजी की क्या कवर रहा है, क्या मिड ऑन मिड विकेट में स्ट्रोक लगाते हैं। और गेंदबाजी यहाँ पर काफ़ी सीनियर है अल्ताफ, अपनी टीम की तरफ से गोल्डन स्टार के मन, उनकी गेंदबाजी को वहाँ पर रखा, फिर अपने बल्ले का फेस खोल कर छः रन की मोड़ लगा दी। यहाँ पर एक अच्छा स्ट्रोक जो रहता है एक अच्छी बल्लेबाज की पहचान होती है। गेंदबाज भी काफ़ी सीनियर है अल्ताफ बाबू, जिस तरह की गेंदबाजी करते हैं, अपने वैरायटी वाली गेंदबाजी करते हैं। फिर इस बार देख लूँगा अमजद, जो कि स्लिप स्वयं कप्तान है विकेट कीपर की भूमिका निभाते हुए। और इस बार काफी, और ये रियो ले जा रहा है यहाँ पर कि वाइड बॉल का इशारा आता हुआ, ये अभी सूचना मिली थी उसी तरह का। यहाँ पर मनोज जी बिराड़ बताते हुए देख रहे हैं अभी कंप्यूटर में चेक करते हुए थर्ड अंपायर। और ये वाइड बॉल करा दी है मनोज जी सर, जी हाँ वाइड बॉल। अभी तक सब क्रिकेट अभी तक चल रहा है, और ये टी टाइम का भी इंतजाम यहाँ पर आयोजित समिति की तरफ से। हाँ वाइड बॉल है, जी हाँ वाइड बॉल है सर, वाइड बॉल है, वाइड बॉल बाहर था, बॉल बहुत बाहर था, पिच के बाहर था, वाइड बॉल है। लाइन के अंदर है, पिच के बाहर नहीं है। ये पॉपिंग लाइन जी होती त्याच्या वरून बॉल गेला, बाहेरून नाही गेला। ठीक है, अभी भी देखना है अल्ताफ बाबू। इस बार रिजवान भाई थोड़ा बात चलते हुए राइट आर्म और दो विकेट गेंदबाजी करते हुए फिर बेहतरीन शॉट लगाई वहां पर, जब तक लॉन्ग ऑफ के प्लेयर उठाते हैं। ये यहां पर थोड़ी सी लूज फील्डिंग का नजारा मिलता हुआ, और ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा टीम को, गोल्डन स्टार क्रिकेट क्लब को, जिस तरह का ये क्रिकेट खेल रहा।
ये यहाँ पर गेंदबाजी करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर, हल्की सी अपील जरूर दोनों ही अंपायर यहाँ पर, और ये विकेट चटकाने में कामयाब। जो राजू अपने कवर ट्राई की स्ट्रोक खेल रहे थे, काफ़ी सा बारी किनारा लगा और अमजद ने बहुत अच्छे अंदाज में इसको गैदर किया और विकेट यहां पर मिलता हुआ। थोड़े महंगे साबित हुए मलता पर अपनी टीम के लिए वापसी की है, दो विकेट इसके अंदर भी इसको दिलाने में कामयाब। हेलो इमरान भाई, जिस तरह से यहां पर टाइमिंग दिया गया है टीमों को, जो फील्ड टीम 10:53 पे आपकी इनिंग शुरू हुई थी, अब आपके पास में 11:26 हो चुके हैं आपके, 33 मिनट हो चुके हैं आपको, बाकी के जो ओवर से 12 मिनट में निकालने हैं, ये बात को आप ध्यान में रखें इमरान जी। हाँ फारूक सर, आपने बहुत अच्छे अंदाज में यहाँ पर दोनों टीमों को समझाया है कि 45 मिनट जो आयोजक समिति के श्रेष्ठ मैच को 8 ओवर को फेंकना है, ये हमारे फारूक जी सर मुझे सूचना दे रहे थे। अरे एक अच्छा गेम प्लानिंग आयोजक समिति ने यहाँ बनाया है कि किस तरह जो टीमें टाइम लेती है तो यहाँ पर थोड़ा सा समय बहुत कम रहता है, 4 से 5 मैच एक दिन में लेना पड़ते हैं, इसी के लिए यहाँ आयोजक समिति ने टाइमिंग बनाया है। फिर ले चलता हूँ पिच विकेट के ऊपर। अब सलामी बल्लेबाज जा रहे हैं राहिल और अल्ताफ बाबू थोड़ी सी वापसी करते हुए अपनी टीम के लिए, गोल्डन स्टार के लिए, और 92 यहाँ पर अब बल्लेबाजी कर रहा है अपने एक युवा फॉर्म में। स्कोर अभी तक रुका हुआ है 65 रनों के कुल पे 5 विकेट के नुकसान पर। फिर राहिल ने बेहतरीन कवर ट्राई, बेहतरीन बल्लेबाजी, तारीफ करना होगी इस शॉट की, ब्लेड शॉट। और जिस तरह से रिजवान सर ने बल्लेबाजी की है, वहाँ पर काफ़ी जाहिराना अंदाज था उनका, काफ़ी तड़क फड़क बल्लेबाजी की, बढ़िया शॉट लगाए, चौके छक्के उनकी इस इनिंग में। यहाँ पर मिस फील्डिंग, वहाँ पर दौड़ लगाकर रोकने की कोशिश की जा रही है, अब जाकर रोका है इस कैमरामैन मौजूद, यहाँ पर अच्छी फील्डिंग तो नहीं कही जाएगी, लेकिन 22 के रूप में आते हुए ये रन और वेलकम रन। यहाँ पर हमारे थर्ड मैन चेक कर रहे हैं कि वहां पर चौका है या नहीं है। ओके 22 के रूप में आते हुए तीन रन इस बार, बहुत बढ़िया राहिल का ये शॉट है, वेरी नाइसली स्मैशिंग द बॉल बाय राहिल, बहुत ही धमाकेदार चौका लगाया राहिल ने और टीम के स्कोर को 72 रनों पर पहुंचाया है, 76 रनों पर पहुंचा है 5 विकेटों के नुकसान पर। मुक्तदीर बहुत बढ़िया हवा में जरूर है, खिलाड़ी प्लेयर इसको देखते हुए लहराती हुई गई गेंद, गगनचुंबी छक्का लगाया है राहिल ने। राहिल काफी खतरनाक आक्रामक विध्वंसक बल्लेबाज।
इस बार कैच का मौका है और वो मौका वहां पर नहीं गवाया। बहुत बढ़िया कैच लपकी जुनेद ने, जुनेद ने नाम कमाया है। और एक झटका लगता हुआ राहिल के रूप में, ऐसे कई फाइटर किंग्स 92 के पास मौजूद है। देखना है अब किस फाइटर को यहां पर ऑर्डर करेंगे कैप्टन आमिल। राहिल थोड़ी सी छोटी सी इनिंग में बहुत बढ़िया शॉट लगाए, दिल जीता है। बहुत कड़क बल्लेबाजी बॉस। अगले बल्लेबाज बीच मैदान पर तौसीफ, मैन फ्रॉम देवल घाट तौसीफ। काफी कुछ करने का इनको मौका नहीं मिला। लक फैक्टर भी होना चाहिए क्रिकेट में, हमने देखा है जब बैड लक रहे तो बड़े बड़े सुरमाओं को हमने देखा है नाराज होते हुए, मायूस होते हुए। देखना है अब किस तरह से यहां पर 82 रन 6 विकेटों के नुकसान पर सफलता अर्जित करते हुए मुक्तदिर। ये गेंद और पिच गेंद थी, बहुत बढ़िया अंदाज में उसे खेला, खिलाड़ी मौजूद है वहां पर। दूसरा रन भी चुराया जा रहा है, जैसे ही देखा कि फील्डर थोड़े से स्लो मोशन में है, उसका फायदा उठाया आमिल ने। काफी चौकस चौकन्ना तेज तर्रार, जहां एक रन था वहां पर दो रन बनाए और टीम के स्कोर को पहुंचाया 86 रनों पर 6 विकेटों के नुकसान पर। ये फुल टॉस गेंद हवा में चढ़ गई है। ये गेंद कैच के नीचे खिलाड़ी आते हुए राजा, हो सकता है धूप और सूरज ने दखल अंदाजी की हो। वन शॉट पानी, पानी भेजना है, ड्रिंक्स, ड्रिंक्स मैन बैट्समैन के लिए पानी भेजो जल्दी से। छियासी रन, लेकिन कैसे खत्म हो जाएगी। लगभग टाइम के अनुकूल गेंदबाजी और फील्डिंग गोल्डन स्टार की ओर से होती हुई। आमिल सामना करेंगे, छह गेंदों का सामना करके 13 रन पर खेलते हुए आमिल। ये गेंद बाहरी किनारा, आउट, कॉट बिहाइंड।
कोई गलती नहीं विकेटों के पीछे, हम जस्ट कैप्टन योर विकेट कीपर। और आखिर बीच मैदान पर पहुंचते हुए काफी सपोर्टर तालियों से उनका इस्तकबाल किया, स्वागत किया आकिब, और बहुत अच्छी बल्लेबाजी करके कैप्टन लौटे हैं आमिल शेख। सराहना करनी होगी राजा की, अच्छी गेंद बाहर निकलती हुई, गेंद को खेलने के प्रयास में बाहरी किनारा निकला और कोई गलती नहीं वहां पर विकेट कीपर अमजद द्वारा, सातवीं विकेट का पतन। आकिब ये गेंद हवा में उठाकर खेलना चाहते थे, संपर्क नहीं हो पाया, ठीक उसी तरह की मानो कॉपी हो उस पिछली गेंद की, वैसी गेंद थी। इस बार बचे आकिब, यही लेंथ से अगरचे गेंदबाजी हो राजा की ओर से तो बड़े खतरनाक साबित हो सकते हैं। इस बीच बुलॉक होल को यहां पर टारगेट बनाया था, और इसी तरह के आखिरी की जो ओवर होती है उसमें ब्लॉक होल को टारगेट बनाते हुए हमने देखा है अच्छे अच्छे बॉलरों को। लेग बाइस के रूप में मिलता हुआ ये रन, इस बीच तौसीफ खेलना चाहते थे वहां पर, थोड़ी सी दूसरा रन भी लेना चाहेंगे, अच्छी दौड़ लगाई तौसीफ ने। आकिब वहां पर दोनों ही बल्लेबाजों में खेलने स्ट्राइक लेने की एक भूख नजर आई, एक तड़प नजर आई। आकिब भी वहां पर तैयार, तौसीफ भी वहां तैयार, ये दो रन से 89 जा पहुंचा स्कोर। अभी भी इस ओवर के दो गेंदे आना शेष है, अच्छी गेंद वाइड यॉर्कर लाइन थी ये। फुल टॉस गेन, इस बार हवाई फायर आउट ऑफ द पार्क, सिक्स रन। तौसीफ का इसमें बहुत जोश और जज्बा नजर,
और ये मैच शुरू होता हुआ फिर से एक बार सभी यूट्यूब से जुड़ने वाले दर्शकों का मैं फारूक सर खैर मकदम करता हूँ। अबू बकर प्रीमियर लीग में किंग्स 92 96 रन का टारगेट सेट किया है यहाँ पर और ये 22 के रूप में आते हुए रन इस तरह से खाता खुलता हुआ देखना किस तरह से पीछा करेंगे मतीन और जुनैद गोल्डन स्टार की तरफ से आए हैं। ज़्यादा कुछ अच्छी बल्लेबाजी इनकी तरफ से देखने को नहीं मिली। ये गेंद टप्पा खाने के बाद धीमी सी आई विकेटों के पीछे काफ़ी बढ़िया तरीके से बिलाल वहाँ मौजूद अच्छी विकेट कीपिंग करते हैं। विकेटों के पीछे चिपक कर खड़े हुए बिलाल देखिए वहाँ पर आउट बाहर निकले थे शैपल करके वाइड बॉल पे यहाँ पर स्टंपिंग हुए है। मैं पहली तारीफ कर रहा था बिलाल के बारे में बता रहा था कि स्टंप से वहाँ पर चिपक के खड़े हुए हैं जिससे एक प्रेशर रहता है बल्लेबाज को कि वो क्या करे तो उस यहाँ पर वाइड निकलती हुई गेंद को वहाँ पर बाहर खेलने के प्रयास में मतीन अपना विकेट और अपने आप को क्रीज के बाहर रखने में यहाँ पर नाकाम हुए। इस बीच ये गेंद फिर से बाहर निकलती हुई गेंद खेलना चाहते थे पूरा गेंद पर आ नहीं पाए अच्छी गेंद देख रहे लगातार डॉट बॉल अल्तमश अच्छी गेंदबाजी करते हुए किंग्स 92 के लिए। ये गेंद फिर से उसी तरह की गेंद अच्छी विकेट कीपिंग का वहां पर नमूना पेश करते हुए और एक सूचना के साथ मैं यहां पर गोल्डन स्टार के कैप्टन अमजद भाई इनकी बैट वहां से किसने लेके गया है अमजद भाई की बैट किसी ने लेके गया हो किसी के पास हो तो वो लाकर जल्दी से उनको दे। इस बीच हवा में खेला गया ये शॉट और ये नो मैंस लैंड में गिरता हुआ दो प्लेयर के बिल्कुल बीच में गिरा इसका फायदा उठाए दोनों ही प्लेयरों ने दो रन बनाए टीम का स्कोर धीरे से आगे बढ़ता हुआ। अल्तमश की अच्छी ओवर चार रन खर्च किए अपनी इस ओवर से अब
तमस की अगेन हवा में वहां पर खेला है और काफी बढ़िया ट्राई हुआ है अमेल की तरफ से, लेकिन दूसरा रन भी पूरा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। इसी बीच ओवर की समाप्ति, आज के ऑफिशियल अंपायर वन शॉट का इशारा आता हुआ, दोनों ही बैट्समैन इस बात को जहन नशीन करेंगे। वन शॉट स्कोर जाकर पहुंचा है 5 रन। एक जो गेंदबाजी थी, बांधे रखा था ऑफ स्टंप पर बल्लेबाजों को, उन्होंने लगातार अपनी गेंदों में मिश्रण कर रहे थे, ऑफ स्टंप से बाहर निकाल रहे थे गेंदों को, जिस तरह से हम देखते हैं इंडियन क्रिकेट टीम में मोहम्मद सिराज निकालते रहते हैं। काटा उनका ऑफ स्टंप से गेंद कटती है, उसी तरह की गेंदबाजी करते हुए नजर आए अल्तमश। राहिल को यहाँ पर गेंदबाजी के लिए लाया जा रहा है कैप्टन आमिल की ओर से। उल्टा उस गेंद, इसको हवा में खेला, लेकिन इस बार चूक नहीं होगी, गलती को माफी नहीं। यहां रिजवान सर है, कोई गलती नहीं की, आउट हुए। उल्टा उस गेंद थी, खेलना चाहते थे हवा में लहराती हुई गेंद सीधे हाथों में थमा बैठे जुनेद शेख को जाना होगा। और इस तरह से जो सलामी बल्लेबाज था गोल्डन स्टार का, यहां पर बिखरता हुआ को चाहिए कि वहां पर एक लंबी इनिंग खेले, जिस तरह की इनिंग खेलने के लिए वो जाने जाते हैं। थोड़ी सी जल्दबाजी उनकी ओर से मैंने कल के दिन देखा हूं, अपनी टीम को लेकर चले। राहिल की ये गेंद देखिए नीचे रह गई थी, वहां पर बचे बाल बाल बचे, रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहते थे, लेग बाइस के रूप में आते हुए ये रन पैरों से टकराई थी। इसे एक रन से आगे 6 रनों पे जा पहुंचा है टीम का स्कोर। सचिन लेग अंपायर हमारी तरफ देखते हुए माफ कीजिएगा। इस बीच कलाइयों का उपयोग, कलात्मक तक शॉट खेलते हुए, लेकिन यहां पर प्रहार करना होगा, अपने बल्ले से हवा दिखानी होगी बॉल को, इस ग्राउंड के बाहर की दिशा दिखानी होगी, चौके और छक्के लगाने होंगे। इस बीच ये गेंद अच्छी गेंद, ब्लॉक होल में की गई गेंद, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अभी भी स्कोर 6 रनों पर रुका हुआ, 2 विकेटों के 7 रनों पर रुका हुआ है, 2 विकेटों के नुकसान पर 7।
सेवन रन लॉस ऑफ टू विकेट, बहुत सस्ते में आउट हुए दोनों ही विकेट। राहिल देखिए, मैं पहले से बता रहा था, बोल्ड किया, ब्लॉक होल में लगातार गेंदे कर रहे थे राहिल, बैड फॉर्म से जूझ रहे हैं अमजद, एक अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन हम देख रहे हैं इस लीग में अभी तक उनके बल्ले ने कुछ रनों का यहाँ पर जवाब नहीं दिया, अपने बल्ले से रन नहीं बन पाए, तो फॉर्म से जूझते हुए और इन फॉर्म बैट्समैन वहाँ पर पहुँचते हुए बीच मैदान पर। मुक्तदिर को चाहिए कि एक अच्छी साझेदारी करे राजा के साथ मिलकर। तीसरे विकेट का पतन हुआ था मुक्तदिर एमआर। राहिल भी एमआर, दोनों एमआर लोगों में टैबलेट और इंजेक्शन की बात चलते हुए। हटता हुआ अब बाकी खिलाड़ी बिल्कुल सीमा रेखा पर खड़े हुए नजर आते हुए। डीप मिड विकेट पर रिजवान को डीप स्क्वायर लेग पे खड़ी किया गया है। डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, डीप एक्स्ट्रा कवर, कट करके खेला है खिलाड़ी, मौजूद वहां पर खतरनाक साबित हो सकता था सफाई से अगर ये फील्डिंग हो जाती आमिल सर की वहां पर, लेकिन इस बार बचे वहां पर राजा, नहीं तो खतरनाक साबित हो सकता था। तो एक रन से टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। मुक्तदीर ये गेंद, अच्छी गेंद, उतनी अच्छी विकेट कीपिंग का नमूना वहां पर पेश करते हुए बिलाल। कोई रन नहीं अभी भी, बहुत बढ़िया गेंदबाजी। अल्तमश की ये गेंद फिर से बीट हुए, 22 के रूप में रन बटोरना चाहते थे, नाकारा उसे मुक्तदिर ने, तैयार नहीं थे राजा तैयार वहां पर नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज। अल्तमश की ये गेंद
हॉ में खेला गया शॉट जरूर, लेकिन इस बार मिड ऑफ से खिलाड़ी आए फील्ड करे, एक रन का मौका और एक रन से टीम का स्कोर जाकर पहुंचा है 9 रनों पर। बहुत ही धीमी रफ्तार से ये रन स्कोर आगे बढ़ता हुआ, निश्चित रूप से इसका जो श्रेय जाता है गेंदबाजों को, किंग्स 92 के जो सलामी गेंदबाज जो यहाँ पर गेंदबाजी कर रहे हैं, उन्होंने पूरी तरह से बांधे रखा है बल्लेबाजों को, 3 विकेटें भी चटकाई है और बिल्कुल सतीत और अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद, बीट हो रहे पूरी तरह से बल्लेबाज, गेंद के पीछे और गेंद की लाइन में आकर खेलने का प्रयास नहीं। आखिरी गेंद इस ओवर से आना शेष है, अल्तमाशी से पूरी करते हुए अल्तमाश लगभग चोपड़ा आचर की तरह इनका बॉलिंग रन अप, उस तरह से हाथ ऊपर उठाते हैं जिस तरह से चोपड़ा आचर गेंदबाजी करते हैं, और ये अच्छी गेंदबाजी। रन लिए गए अभी, रन नहीं लेने दौड़ गए ने बॉल, 9 रन, अच्छी गेंदबाजी कुल मिला के। 3 ओवर की समाप्ति, 9 रन 3 विकेटों के नुकसान पर, 96 का टारगेट यहां पर उसका पीछा करते हुए गोल्डन स्टार्स के दोनों ही बल्लेबाज मुक्तदीर और राजा आपस में थोड़ी सी बातचीत करते हुए देखे जा सकते हैं। आज के दिन हमने देखा है कि आज के दिन जो है यहां पर पिच से जो मदद मिली है गेंदबाजों को मिली है, लेकिन गेंदबाज जो अपनी लाइन टू लाइन जो गेंदबाजी लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, ऐसे गेंदबाजों को काफ़ी मदद है। जो फुल टॉस गेंदबाज है उसको यहाँ कोई मदद नहीं, हमने देखा पिछले मैच में ये फुल टॉस गेंदे डालने वाले बॉलर्स काफ़ी पीटे गए यहाँ पर, और जो गेंदबाज सही तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं छोटी गेंदे और फुल ओवर वन और ब्लॉक होल में जो गेंदे कर रहे हैं उसका काफी फायदा मिल रहा है। रिजवान ये गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकली, देखते रह गए उसको, चाह रहे थे आशा भरी नजरों से अंपायर की तरफ देखते हुए आज के ऑफिशियल अंपायर मनोज बेरार। अच्छी गेंद है, कोई वाइड नहीं इसमें। रिजवान इस तरह के टप्पे के लिए जाने जाते हैं, एक दफ़ा इनको लाइन मिल गई तो वो लाइन नहीं छोड़ते, लेकिन फुल टॉस गेंद इनकी भी कमजोरी है। यहाँ पर अभी भी इसको रुका हुआ रिजवान की ये गेंद, वहां पर फर्स्ट स्लिप में प्लेयर मौजूद है, खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन वन अटेम्प्ट अगरचे थ्रो होती, थोड़ा उसके ऊपर दौड़कर झपट्टे तो बात अलग होती, थोड़ा सा वेट किया वहाँ पर फील्डिंग में, थोड़ा सा इन्हें तैयार रहकर आगे अटैक करते थे तो वो रनआउट हो सकते थे, थोड़ा सा टच एंड गो मामला था। एक रन से स्कोर आगे बढ़ गया है 10 रनों पर। ये गेंद वहाँ पर देखिए पैरों से मुक्तदीर के लगी थी और एक रन पूरा करते दोनों ही बल्लेबाज। इसके बाद टॉस लिया जाएगा हमारे ऑफिशियल अंपायर इस बात का ध्यान रखे कि दोनों ही अगली मैच जिन टीमों के बीच खेली जानी है उनका टॉस लिया जाएगा। ग्यारह पे 3 विकेट, इस बीच कलाइयो के सहारे से खेला डीप मिड विकेट की तरफ से 2 रन पूरे किए हैं, 2 रनों से टीम का स्कोर 13 पे जा पहुंचा है, 13-3। ऐसा कहे जाए तो दयनीय स्थिति में नजर आते हुए गोल्डन स्टार्स 3 ओवर 4 बॉल
रिजवान, ये फुल टॉस गेंद है रिजवान की, देखिए ये फुल टॉस गेंद, एक रन दो रन आसानी से बटोरते हुए। अक्सर चाहते हैं कि मैं यॉर्क करूं और कभी फुल टॉस बन जाता है। हमने पिछले मैच में भी देखा था कल कि जो यॉर्क लाइन गेंदबाजी करने के चक्कर में जो गेंदबाज फुल टॉस गेंदे कर बैठते हैं। इस बीच ये शॉट बहुत बढ़िया शॉट है, इस बार शॉट सिलेक्शन बहुत अच्छा, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। तारीफ करनी होगी लॉन्ग ऑफ पर फील्डिंग करने वाले खिलाड़ी की, अच्छी फील्डिंग, एक ही रन से आगे बढ़ते हुए गोल्डन स्टार्स के ये स्कोर की गाड़ी 16 रनों पे 3 विकेट, 4 ओवर की समाप्ति। वहाँ पर पानी का इंतज़ाम किया जाए ड्रिंक्स लेके जाते हुए। कोल्ड ड्रिंक्स पेश कर रहे हैं सलीम ठेकेदार साहब, पहली बार, और हमारा भी कमेंट्री बॉक्स में ख्याल रखे उन्होंने, माजा के एक एक यहाँ पर पॉज भेजे हैं, तो शुक्रिया आपका सलीम ठेकेदार साहब, वेरी थैंक यू फॉर द गिफ्ट ऑफ माजा, रिफ्रेशमेंट ऑफ कोल्ड ड्रिंक। सलीम भाई ओनर्स है किंग्स 92, उनकी टीम यहाँ अच्छा कर रही है, इस बात से काफ़ी खुश है वो, हमेशा अपनी टीम का प्रोत्साहन बढ़ाते हैं, अपने सभी खिलाड़ियों का प्रोत्साहन बढ़ाते हैं, उनको इंस्पायर करते रहते हैं, हमेशा जो चीज़ की उनकी टीम को ज़रूरत पड़ रही हो उसके लिए हमेशा हमारे सलीम ठेकेदार साहब तैयार रहते हैं। तो कुल मिलाकर इसी तरह से जो ओनर्स की बात चल रही है, हम आईपीएल ओनर के बारे में बात करें तो जो एसआरके है शाहरुख खान और जूही चावला, जिनकी टीम है केकेआर, वो जिन्होंने इस सीज़न का आईपीएल अब ताज अपने नाम किया है, तो उनको भी वो भी बहुत ख्याल रखते हैं अपनी टीम का, ठीक उसी भूमिका में यहाँ पर नज़र आते हुए हमारे सलीम ठेकेदार साहब भी अपनी टीम का ख्याल रखते हुए बीच मैदान पर अपने आप को ला रहे हैं गेंदबाजी के लिए। अपने कोठे का पहला ओवर लेकर आएंगे कैप्टन आमिल शेख, जो कि जॉर्ज स्पोर्ट्स के मालक भी है, जॉर्ज स्पोर्टिंग इक्विपमेंट, जो कि क्रिकेट और बाकी सब स्पोर्ट्स के यहाँ पर इक्विपमेंट साजो सामान इनके जॉर्ज स्पोर्ट्स में मिलते हैं। और ये मैच शुरू होता हुआ ये गेंद इस बार बोल्ड हो गए, इनसाइड एज हुआ शायद, बोल्ड हो गए, अपने साथियों से मिलते हुए आ रहे हैं। ब्लॉक होल में आती हुई गेंद को समझ नहीं पाए,
खेलना चाहते थे उसे लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, लाइन में और उनके बैट के संपर्क में थोड़ी सी यहाँ पर कमी नज़र आई, संपर्क नहीं कर पाए, जिसके फलस्वरूप क्लीन बोल्ड होकर MR साहब को पवेलियन का रास्ता दिखाया आमिल शेख ने। इस बात को उन्होंने जाने, अगले बल्लेबाज का कृपया नाम हमें बताए। तो पहली गेंद पे वहाँ पर विकेट अर्जित की है आमिल शेख ने। अरबाज पहुंचे हैं बल्लेबाजी के लिए, आमिल शेख, अरबाज खान, 16 रन पे चौथे विकेट का पतन। इस बार ये गेंद रन बनाते हुए, कोई भी इस बॉल के पीछा नहीं कर रहा था, लेग बाइस के रूप में मिलता हुआ ये रन, 17 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। और पांचवे ओवर का खेल जारी है, पूरा कर रहे हैं आमिल शेख। फुल टॉस गेन, इस बार अच्छा प्लेसमेंट लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, अल्तमश मौजूद, दूसरा रन भी लिया जा रहा है, क्या रन आउट होंगे? आउट, अच्छा अच्छा निशाना लगाया वहां पर बिला। अल्ताफ बाबू धीरे से ढकेला वहां पर, पुश किया था अपने आप से, दूर किया एक रन के लिए। मैच सिचुएशन के हिसाब से एक एक दो दो रन से थोड़ा सा यहां पर एक साझेदारी दोनों ही बल्लेबाज के बीच यहां पर होनी जरूरी है। 19 पे 5 विकेट, उन्नीस रन और 5 विकेट। देखिए यहाँ पर गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना वाली बात नज़र आई। बल्लेबाज को चाहिए कि गेंद की लेन में आकर और स्विंग के एतबार से बल्लेबाजी करे। गेंदबाज बहुत चौकन्ना है, अपनी गेंदों में मिश्रण करते हैं, अंदर आती और बाहर आती हुई गेंदें डालते रहते हैं। बहुत बढ़िया इस बार शॉट, लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद, एक ही रन मिलेगा। और ओवर की समाप्ति भी, 5 ओवर 20 रन 5 विकेटों के नुकसान पर, 5 ओवर 20 रन 5 विकेटों के नुकसान। और छठे ओवर का गेम चलता हुआ मकसूद चुके, ऐसा लग रहा है लेफ्ट आर्म और दो विकेट गेंदबाजी करेंगे, लेफ्ट आर्म और दो विकेट। फिर बढ़िया गेंद थी, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी अंदर क्या हुई, बेहतरीन अंदाज में गेंद किया वहाँ बिलाल ने। जाता है 92 जो कि अपनी एक पकड़ बनाता हुआ
अगर इस मैच को बनाना पड़ेगा तो यहाँ सलामी बल्लेबाजों को थोड़ा सा एक अच्छे स्ट्रोक लगाना होगे। क्रिकेट है, क्रिकेट में भविष्यवाणी नहीं होती है किस तरह के स्ट्रोक। बढ़िया तारीफ लाई गेंदबाजी जो मिडिल से वहाँ पर, और ये बता दिया है रियू जो ले जा रहा है अभी। जी हाँ, एक्शन का रियू ये ले गया है अंपायर सचिन बताते हुए नो बॉल करार दी। और मेरे मित्र सागर बहुत अच्छे अंदाज में यहाँ ठीक है, थर्ड अंपायर पर ये डिसीजन गया है। बड़ी बाकी से बड़ी बारीकी से यहाँ चेक करा जा रहा है। और ये नो बॉल करार दी यहाँ पर। अब देखना है कप्तान आमिल किसको लगा पाते हैं, किस गेंदबाज पर भरोसा दिलाने में कामयाब होते हैं। दो बॉल जरूर अच्छी डाली थी वहाँ पर गेंदबाज ने, पर यहाँ पर अंपायर जो के सचिन और मनोज विराट जो के बहुत पंच है। जी हाँ, फिर हिट ये बताई जा रही है। अब इसका लाभ क्या लेते हैं, शायद वहाँ कप्तान ने रिजवान को ये ओवर करने का फैसला लिया है। बढ़िया गेंदबाज माने जाते हैं अपनी टीम के रिजवान, काफ़ी सीनियर है और अपनी गेंदबाजी में काफ़ी वैरायटी वाली गेंदबाजी करने में सक्षम रखते हैं। स्लो कटर जिसे बोला जाता है उसी तरह की गेंदबाजी, कटर गेंदबाजी, मिडिल कटर बॉलिंग बाजी करने में सक्षम रखते हैं। यही क्रिकेट है। बढ़िया लेखा जोखा यहाँ पर कंप्यूटर पर यूट्यूब लाइव भी मैच चल रहा है और सभी बुलडाना शहर के दर्शक देख सकते हैं। अब बकर प्रीमियर लीग जो 2024 का ये सीजन टू टूर्नामेंट चलता हुआ बेहतरीन अंदाज में खेला। जब तक उठाते वहाँ पर अलता मशवा थोड़े से परेशान, चार रन का इजाफा आता हुआ। यही तरीके से बल्लेबाजी करना होगी सिटीजन स्टार गोल्ड को, चौके और छक्को सही मैच को खींचना होगा, एक अच्छी पकड़ बनाना होगी दोनों ही सलामी बल्लेबाजों को। और गेंदबाजी कर रहे रिजवान जोर से नाखुश हो गए वहां पर अपनी गेंदबाजी में। बढ़िया स्ट्रोक यहाँ पर जिस तरह का ये अभी जा रहा है थर्मोन की ओर, जब तक उठाते हैं ना खुश हो के वहाँ कप्तान की एक ऐच अगर पकड़ लेते तो ज़रूर एक एक ब्रेक थ्रो जरूर मिल जाता। पर दोनों ही सलामी बल्लेबाज एक अच्छी बल्लेबाजी एक अच्छे गेम प्लानिंग के साथ अपनी टीम के लिए बल्लेबाजी कर रहे हैं। मजा भी उन्हें थोड़ा सा गियर बदलना होगा अपने बल्लेबाजी में, एक बड़े हिट लगा कर इस मैच की पकड़ को बनाना होगा। छठे ओवर का स्पेल चलता हुआ, गेम अभी भी चलता हुआ इस विकेट के ऊपर। फिर इस बार लेफ्ट आर्म आउट विकेट, बेहतरीन गेंद थी यहाँ पर। स्लिप गली में लौटा इस गेंद को, एक ही रन से सहमत होना पड़ेगा। अवलताब जो के किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं, किस तरह अपनी मैच को बना पाते हैं। क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी होता है। जिस तरह का टारगेट यहाँ पर 92 ने दिया है, अल्ताफ जो कि इसी तरह के शॉट अगर लगाते हैं तो निश्चित रूप से इस मैच का रोमांच बढ़ सकता है, क्योंकि धीरे धीरे यहां पर 92 ने पकड़ बना के जरूर रखी है इस मैच के ऊपर। और अब जब तक अल्ताफ है वहां पर तो ये मैच कुछ भी किधर भी जा सकता है। इसी तरह का
बढ़िया सिचुएशन वाला मैच अभी चलता हुआ। बेहतरीन हल्के हाथों से लौटा वहाँ पर, जब तक शॉर्ट पॉइंट ऑफ साइड के प्लेयर उठाते हैं कप्तान स्वयं अमेल वहाँ पर 11 ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति पर रन संख्या बढ़कर 33 रनों के कुल युग पे 5 विकेट यहाँ पर गंवा दिया सचिन। कल आज का उसका दूसरा दिन और बढ़िया गेंदबाज देखने होगा अमील, जो कि अपने लिए टीम के लिए यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए 7 ओवर का कोठा लाते हुए बेहतरीन खेला शॉट को, जब तक मिड डाउन के प्लेयर उठाते 1 रन से सहमत होना पड़ेगा और धीरे धीरे अपनी टीम का स्कोर बनाने में कामयाब होते हुए बल्लेबाजी को। और अगर इस मैच को बनाना होगा तो एक अच्छी गेयर को चेंज कर बड़े स्ट्रोक लगाना होगे, पर वहाँ पर गेंदबाज अमील जो कि काफ़ी सीनियर है और एक अच्छे युवा खिलाड़ियों में माना जाता है और बुलडाना शहर में नाम बनाया है इस खिलाड़ी ने, जो कि 17 नंबर का टी शर्ट पहनते हुए गेंदबाजी कर रहे हैं। बढ़िया गेंद थी, टप्पा खाने के बाद विकेट कीपर ने गैदर किया और परख लिया था वहाँ पर उस बल्लेबाज को। अरबाज जो के कप्ते खड़े हुए हैं अपने टीम के लिए के देखना है, कुछ बड़े शॉट लगाने की कोशिश कर रहे हैं, पनवा सलामी गेंदबाज आमिल ने भान के रखा। फिर बेहतरीन स्ट्रोक देखने को, 6 रन होती कि नहीं यहाँ पर, क्या क्या होती है वहाँ पर इमरान। अब मैं यहाँ पर जुड़ना चाहूँगा आपसे, अबू बकर प्रीमियर लीग 2024 का ये दूसरा दिन और आज के दिन का ये मैच जो खेला जा रहा है, उसके बाद जो मैच होने जा रहा है उसका टॉस लेने के लिए आज के हमारे इनवाइटी है यहाँ पर। हैदर 11 से कैप्टन है मोइन शेख और इधर स्वर्ण मयूर मोताला से अफजल मार्क यहाँ पर मौजूद है, दोनों ही कैप्टन, और शाहिद सर के साथ में कमरुज़्ज़मा हमारे चौधरी साहब और मुजाहिद भाई वेल्डिंग वाले ये यहाँ पर मौजूद, और इन बच्चों के साथ में यहाँ पर ये टॉस उछाला जाएगा। और हमारे कमरुज़्ज़मा चौधरी साहब और दोनों बोलेंगे, मोइन शेख और ये हैदर 11 ने टॉस जीता है। हैदर 11 के जो ओनर है गुड्डू कुरेशी, इनके चेहरे पे काफ़ी मुस्कुराहट देखी जा सकती है अभी, और उनकी टीम ये टॉस जीती है। लगभग यहाँ पर टॉस काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और ये टॉस जीतने के बाद उनका पहला फैसला था कि वो फील्डिंग करेंगे। और फिर से आपसे हम जुड़ेंगे, लेके चलता हूँ आपको कमेंट्री बॉक्स में, इमरान से हम जुड़ते हैं, शुक्रिया। फिर इस बार आमिल भाई गेंदबाजी के लिए तैयार, जो कि अपने टीम के लिए अच्छी गेंदबाजी जरूर करते हुए अल्ताफ बाबू खेलिया। फिर तरीका रियोरशिप शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी ऑफ साइड पर, उसको रियोरशिप बनाकर 4 रन की मोहर लगाते हुए एक अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर जरूर चल रही है अल्ताफ द्वारा। अभी इस मैच को खींचना होगा तो ऐसी शॉट लगाना होगे, परख लिया था वहाँ पर गेंदबाज को आमिल को, क्या वो स्टैम अटैक गेंदबाजी करते हैं, फिर अपना चेंज किया एंगल और रियोरशिप में 4 रन का इजाफा आता हुआ। यही क्रिकेट में अब नए नए टेक्नोलॉजी शॉट मिलते हुए और इस विनिंग के 5 मिनट अभी बाकी है, उसी तरह का यह मैच चलता हुआ जो 45 मिनट का। उतर लिख के ना
बढ़िया क्रिकेट और अभी लेखा जोखा यहाँ चल रहा है बहुत ही अच्छे अंदाज में। नए डब्बल सात ओवर क्रिकेट, सात ओवर 40 रन 6 विकेट के नुकसान पर गोल्डन स्टार। बढ़िया अभी तक लेखा जोखा वहाँ चल रहा है अपनी टीम के लिए, यही एक क्रिकेटों की पहचान है, जो टीम मेहनत करती है उसे जीत मिलती है। उसी तरह का यहाँ पर 92 ने अपनी पकड़ बनाते हुए और कप्तान यहाँ पर थोड़े खुश होते हुए आमिल के किस तरह का गेंदबाजों ने भरोसा दिलाया, किस तरह की बल्लेबाजी की, अब देखना है वहाँ पर बल्लेबाज जो है अल्ताफ किस तरह के स्ट्रोक 6 गेंदों में 56 रन बनाना है। अल्ताफ देखना है आने वाले 6 बॉल किस तरह खेलते हैं, अगर 6 बॉल पर 6 छक्के भी लगेंगे तो 36 रन मिल सकते हैं, पर ऐसा हो नहीं सकता, अपन क्रिकेट है, क्रिकेट में भविष्यवाणी नहीं मानी जाती। फिलहाल राहिल तैयार, बढ़िया गेंद थी, रिवर्सिव खेला जा रही है थर्ड मैन की ओर गेंद, जब तक थर्ड मैन के प्लेयर आते दूसरे रन के लिए हर विराट के साथ 2 रन का इजाफा आता हुआ। अब धीरे धीरे ये मैच छुटता हुआ, सिटीजन क्रिकेट क्लब थोड़ा सा स्टार्ट में हड़खड़ा गया है और एक अच्छी पकड़ बनाता हुआ 92 चैम अपनी टीम के लिए पकड़ बनाते हुए आमिल काफ़ी खुश होते हुए अपने गेंदबाजों पर। इस बार राहिल बढ़िया गेंदबाजी, तारीफ करना होगी राहिल की, फिर उसी तरह का रिवर्सिव शॉट लगाना चाहते थे। और हमारे फारूक जी सर जो कि हिंदी कॉमेंटेटर है, अब आने वाले 3-4 बॉल के अंदर क्या गड़बड़ी हो गई है सिटीजन क्रिकेट क्लब की, सर किस तरह की स्टार्ट मिलना चाहिए थे, इसके बारे में क्या कहना है आपका? जिस तरह से यहाँ पर बल्लेबाजी हो रही है, इमरान जी के जो बल्लेबाजी जिस तरह से करना चाहिए थे वो यहाँ पर उस बल्लेबाजी में गोल्डन स्टार्स पूरी तरह से पीछे रह गया है और लगभग औपचारिकताएं बाकी रह गई है और गेंदबाजों का यहाँ पर हमको हुकूमत नज़र आई। और इस बीच आउट होते हुए बाबू साहब रिवर्स लेफ्ट हैंड से शॉट लगाना चाहते थे, देखिए विकेट कीपर काफ़ी हमको यहाँ पर इम्प्रेस कर रहे हैं, विकेट कीपर बहुत अच्छी विकेट कीपिंग उनकी ओर से देखने को मिल रही है। इमरान जी हाँ सर, बहुत अच्छे अंदाज में आपने बताया है कि जो खामियां यहाँ सिटीजन क्रिकेट क्लब को स्टार्ट होना था वो मिल नहीं पाई, और बब्बू जो कि एक अच्छी जिसका नाम बिलाल है एक अच्छी विकेट कीपिंग का नज़ारा करते हुए और ये पूरा मैच 92 ने पकड़, 42 रन पे 7वें विकेट का पतन और टाइम हो चुका है और टाइम भी हो गया है, आप टाइम ना करें। एक प्लेयर अंदर लेना पड़ेगा, रुकिए सर, टाइम खत्म हुआ है, एक प्लेयर अंदर लो, लास्ट ओवर और दो ही बॉल बचे हैं। हाँ ठीक है सर, ठीक है, ओवर के बाद टाइम जरूर हुआ लेकिन रूल्स ये बताता है कि ओवर कंप्लीट होने के बाद लिया जाता है, ये बता रहे हमारे आज के ऑफिशियल अंपायर मनोज, लेकिन यहाँ पर आखिरी ओवर होने की वजह से ये रूल इनको फॉलो नहीं होगा, लागू नहीं होगा। ठीक है, आखिरी बॉल इस इनिंग का और इस बॉल पर, ये आखिरी बॉल पर क्या छूटा हुआ, शेख अहफाज 1 रन बनाए और यहाँ पर जीत दर्ज करते हुए किंग्स 92 रनआउट हुए हैं। आखिर में और एक विकेट का पतन होता हुआ किंग्स 92। ये गेंद यहाँ पर हमारे कमेंट्री बॉक्स में पहुँचा दे बॉल, हमारे मनोज बेरार अंपायर साहब के हाथ में बॉल है, सुरक्षित है। मैन ऑफ द मैच इस मैच के सैयद राहिल